तो फाइनली गाइस आप समझ ही गए होंगे थंबनेल को देख करके हमारी ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। आपको बता दें कि अगर आप इस थंबनेल को देखकर आए हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आप हम कोबरा और बनी एवरीबॉडी के बीच बहुत अच्छे से कंपैरिजन करने वाले और आपको बताएंगे। इस वीडियो देखने के बाद आपको मतलब दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस वीडियो थोड़ी लॉन्ग है इसलिए पूरा वॉच करें, तभी आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं कोबरा MP40 एंड बनी MP40 के बीच। देखते हैं इसमें कौन सा गन स्किन विनर होता है और कौन सी वेस्ट है, क्योंकि मेरे पास आज ही परमानेंट निकल चुकी है बनी MP40, जो कि आपको दिखा दूं। क्योंकि मेरे पास यार अभी मैंने एक क्रेट पड़ी थी वो ओपन किया तो उसमें परमानेंट बनी MP40 जो अभी अभी मतलब बिल्कुल अभी निकली है परमानेंट, वो भी क्योंकि यार ये लोग बहुत पता नहीं क्या सा इनका रूल है, क्योंकि आपको तभी परमानेंट स्किन देंगे जो आपके पास कोई लेजेंडरी स्किन हो, उसके बावजूद ही आपको ये स्किन देते हैं परमानेंट, वरना पहले नहीं देते हैं कोई स्किन। क्योंकि जब मैं पहले स्टार्टिंग में मेरे पास ये स्किन मतलब फ्री में मिली थी, कोई इवेंट था शायद मुझे याद नहीं विंटरलैंड की, उसके बाद मुझे एयर ड्रॉप से ये वाली मिली, उसके बाद मतलब देख सकते हो आप ये भी मुझे एयर ड्रॉप या किसी इवेंट में मिली, ये भी एयर ड्रॉप या आज भी मतलब एयर ड्रॉप से ये बनी MP40 परमानेंट निकल चुकी है। और देखते हैं यार मैंने मतलब सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास मुझे नहीं पता था लगता था कि मुझे ये कभी बनी MP40 परमानेंट मिल जाएगी। चलो हम देखते हैं मतलब इसके एटरबूट क्या हैं और कौन सी विनिंग है, तो इसके लिए हमें टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा ट्रेनिंग ग्राउंड में, ट्रेनिंग ग्राउंड में ही पता चलेगा मतलब पहले मैं MP40 का देखते हैं कितने का डैमेज है, उसके बाद देखते हैं वनी MP40 का कितना डैमेज देती है। इसके लिए कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे मतलब हेलमेट वगैरह सब पर टेस्ट कर लेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी बट आप पूरा वॉच करें, आपको पूरी तरह से इसमें समझा दूंगा कि मतलब कैसी है, मुझे भी नहीं पता अभी कि कौन सी विनर है कौन सी नहीं। देखते हैं भाई कौन सी हमारी अच्छी गन जो है मतलब देख सकते हो, अभी हमने कुछ नहीं लिया हुआ, सिर्फ ये नॉर्मली ये खड़े हुए हैं मतलब क्या कहते हैं इनको यार, इस पर बहुत बंदे मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं बेचारे, इतने फायर लगते फिर भी ये नहीं मरता, मतलब अमर बंदा 23 का डैमेज दे रहा है मतलब। यहाँ से पहले हम चलते हैं किसी लेंथ पर, हम आ जाते हैं बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ से आने के बाद चेक करते हैं 17 का डैमेज दे रही है मतलब, हेड पर देखते हैं 62 का डैमेज दे रही है 62 का, और भाई हम हेलमेट मतलब मैक्स मैक्स पे करेंगे टेस्ट मतलब 5 का, और हेड पर देखते हैं 24 का डैमेज देती है। वहीं देखते हैं लेवल 3 की 26 का और 5 का, और देखते हैं 2 पर 8 का, हेड पर देखते हैं 8 का, मतलब देख सकते हो आप मतलब शायद हेड पे नहीं गया था यार, पिछले टेस्ट करते हैं 33 का, और देखते हैं नंबर 1 पर 41, और वेस्ट पर देखते हैं 11 का। अब फटाफट चलते हैं मतलब हमने जो था वो नोटिस किया है बट मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा फिलहाल में मैं वीडियो में बाद में डिस्कस करूँगा इसके बारे में। सबसे पहले हमको चलना होगा वेक और लेकर आनी है कोबरा मतलब बनी MP40 की स्किन हमको इक्विप करना होगा, वरना हम यहाँ पर चेक नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फिर चलते हैं वेपन में, चलते हैं यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि SMG और किधर गई ये बनी MP40। भाई रुक जाओ यार, ये हो गया हमारा, ये अब फटाक से चलते हैं बिना किसी देरी के ट्रेनिंग फिर आ गए चेक करते हैं। और वीडियो पर यार नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मतलब अपलोड करते हैं, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो जाकर। मतलब सबसे पहले हमको फिर चलना होगा उसी वाली लोकेशन पर, वरना यार यहाँ पर चलना होगा, कहाँ जा रहा था मैं पहले मतलब सिंपल सादा टेस्ट करते हैं 21 का और 77 का, वहीं देखते हैं हेलमेट मैक्स 30 और 64 का 7 32 41 और 10
शायद थोड़ा नीचे हो गया था। 50 यार क्या हुआ, यहाँ पे चेक करते हैं 10 का, यहाँ देखते हैं लेवल 1 पर, और यहाँ देखते हैं। अबे यार इसका नहीं, हेड नहीं गया अभी। एक 51 का। तो फाइनली हम आ चुके हैं गेम से बैक, और आपको बताएंगे कौन सी गन की स्किन है बेस्ट। हमने कंपैरिजन अभी आपके सामने किया, मतलब कौन सी सही लगती है, मतलब MP40 आपको कौन सी चलानी चाहिए अगर आपके पास दोनों कोई स्किन है तो। मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि डैमेज जो है MP40 का है, मतलब जो बनी MP40 का उसका डैमेज थोड़ा ज़्यादा है कोबरा MP40 का से, क्योंकि उसमें डबल रेट ऑफ फायर, और इसमें डबल रेंज जो है, क्योंकि आप रेंज से मतलब पास से बंदे नहीं, मतलब जब भी आप दूर से बंदे को हिट करोगे या बुलेट मारोगे तो उसमें क्या होगा कि MP40 बनी MP40 का डैमेज जो ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिंगल डैमेज डबल रेंज है। और वही बात करते हैं कोबरा MP40, इसमें सिंगल रेट ऑफ फायर डबल डैमेज है, फिर भी इसका डैमेज जो है कम है, क्योंकि ये एडवांटेज है बनी MP40 में, किसमें इसमें जो है डबल सिंगल डैमेज डबल रेंज है, क्योंकि दूर से बंदे फाइट करने के लिए आपको जो है मतलब जल्दी बंदे को किल कर सकते हो, दूर का बंदा को आपको एम बहुत मतलब एम होने के बाद आप आसानी से उसको किल कर सकते हो। वहीं MP40 मतलब जो कोबरा MP40 का है यार, कन्फ्यूज हो जाता हूँ, मतलब वही मतलब ऐसा कुछ है। तो मतलब आप फाइनली हम बता देंगे आपको कि मतलब क्या उनसे एडवांटेज ज़्यादा देने वाली, अगर आपके पास ऑलरेडी बनी MP40 है तो आप कोबरा MP40 निकालने की मतलब आगे सोचो ही मत, क्योंकि सेम है यार, जब आप इतने डायमंड खर्च करोगे इसमें तभी ये 4 लेवल का हो पाएगा। मतलब अगर आपके पास नहीं है कोई गन की स्किन तो आप भाई कोबरा MP40 निकाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। बट अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास ये वाली बनी MP40 होती तो मैं कोबरा MP40 को नहीं निकालता, क्योंकि यार ये सही है, मुझे लगती है सही है, मतलब दूर से फाइट, क्योंकि कोबरा MP40 का बस एक ही एडवांटेज है कि हमको इससे रेट ऑफ फायर मतलब इसमें सिंगल, इसलिए हेड चांस ज़्यादा थोड़े बढ़ जाते हैं। आपको पता होगा कि MP40 का चांस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब क्योंकि रेट ऑफ फायर जिसमें ज़्यादा होता है उसका चांस हेड लगने की ज़्यादा होते हैं। वहीं बात करते हैं मतलब फाइट के लिए, मतलब लॉन्ग फाइट के लिए आप इसको यूज बनी MP40 को कर सकते हो, क्योंकि इसमें डैमेज उससे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया था मैक्स हेलमेट पर, तो कोबरा MP40 का तो 5 था, तो उसका शायद बॉडी शॉट पर 7 था बनी MP40 का, उसका 30 है, बनी MP40 का 30 हेड पे देती है मैक्स लेवल पर हेलमेट पर 30 का डैमेज, और कोबरा MP40 24 का डैमेज देती है। भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। आपको कौन सी स्किन अच्छी लगी मुझे बताइए, और किस गन के कॉम्पेरिजन पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।